करो कोई ना पहाड़ मोबाइल ऑफ करो, मोबाइल में वीडियो खींचना मना है ठीक है। दे रखे आप हमारा खींच रहे हो पहाड़ का ना। गाइस वेलकम बैक, माय दिस इज संजय प्रजापति ब्लॉग चैनल। और अभी गुड इवनिंग का समय है क्योंकि अभी 3 बज चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल ढोड़ी पहाड़ घूमने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पुल पे पहुंच चुके हैं और इधर देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। बैक कैमरा कर तो गाइस ये देखिए कितना भयानक आप लोगों को दिख रहा है पहाड़, आप देख सकते हैं। यहाँ कई बार आए हैं लेकिन यहाँ नहीं आए थे। और ये झंडा नेपाल का है और ये पुल नेपाल में ही बना है और इधर से हम लोग जाएंगे नेपाल में, देख लीजिए। और इधर नदी बह रहा है और देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया से बनाया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं ठोरी पहाड़। सो गाइस देखिए कितना, देखिए इधर आप लोग दिख रहा है, चलिए पानी पी लीजिए, पहाड़ का पानी पी रहा है, चलिए ना अपने। देखिए पहाड़ का, अरे भाई इधर पार्टी हो रहा है लोग। रोकू महाराज जी। सो गाइज ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं पहाड़ पर और इधर एक नदी छोटा सा है और चलिए पहाड़ पर से पानी गिर रहा है, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे पानी गिर रहा है पहाड़ों से। हाँ सही बात है, चाबी पहन लीजिए गिरेगा नहीं। कुत्ते ओ कुत्ते। और देखिए गाइज कैसे पानी गिर रहा है। हाँ पीजिए लोग। तो गाइज ये जो पानी गिर रहा है इसके ऊपर आप जाइएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है। चलिए ऊपर चलिए। सो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, देखिए कैसा कैसा रास्ता है। हम इधर से आ रहे हैं, इधर से क्या खूब मस्त नींद आई गई। ये पहाड़ है क्या फेकल है दोस्तों अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर देखिए क्या बोया है लोग खेतों में, आप लोगों को अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखेगा ये देखिए खेतों में मकई बोया गया है और इधर बकरी चल रही है लोग, हम देख सकते हैं। हाँ पानी कहाँ से आ रहा है आप लोग बताइए, ऊपर खेत है और नीचे पानी गिर रहा है। तो गाइस जब हम लोग फिर से नीचे चल रहे हैं क्योंकि ऊपर पानी देखने आया तो पानी तो कहीं मिल रही ना है तो नीचे चलते हैं। दोस्तों इतना पत्थर है ना कि उतरने में भी दिक्कत हो रहा है, पता अरे वाह। तो गाइस अभी हम लोग फिर से नीचे आ चुके हैं और अभी थोड़ा सा और कहीं घूमेंगे देखिए और उसके बाद फिर चलेंगे कहीं उधर, देख लिए कितना बड़ा सबसे बड़ा वही पहाड़ हो दिख रहा है। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नेपाल के अंदर और इधर तो यार गजब का शराब बिक रहा है, मतलब बिहार में बंद है और इधर बहुत ज़्यादा शराब बिक रहा है। सिर्फ हम लोग एक पुल टपे हैं वहाँ से दारू स्टार्ट और पुल उस पर बंद, ये है हमारे बिहार का कहानी।
गाइज ये देखिए पत्थरों से कितना मस्त मस्त सजाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए कैसे सजाया गया है पत्थरों से। अभी हम लोग बाइक से इस बार आके दिखा रहे हैं, पिछला बार जब मैं आया था तो पैदल ही आया था, गाड़ी हम लोग का उधर ही रह गया था, देख लीजिए। गाइज अभी हम लोग नेपाल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखिए यहाँ से कैसा कैसा नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। और एक इधर क्या है वो, इधर तो हम कभी नहीं आए थे। ये सब नेपाल है, आप लोग देख लीजिए, हम लोग अंदर आके दिखा रहे हैं आप लोगों को नेपाल। जंगल नेपाल का अंदर का टोली के अंदर का ये जंगल है जैसा है और घर कुछ ऐसा है। और ये नेपाली स्कूल बस है, उतार रहा है। अरे बाप, ये देखिए गाइस कितना बड़ा यहाँ पे जो फील्ड है वो दिखता है। वाह गाइस देखिए यहाँ पे, देखिए पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ पत्थर। ये देखिए ये जो आप लोगों को चारों तरफ से दिख रहा है ये पहाड़ है, मतलब नेपाल के सबसे अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम नेपाल में थोड़ी 4-5 बार आए थे लेकिन अभी तक यहाँ एक बार भी नहीं आए थे। और देखिए यहाँ पर चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर दिख रहा है आप लोगों को, जितना यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर ही पत्थर क्या होता है, क्या होता है जाता है इधर से, इंडिया में भी जाता होगा, नेपाल में भी घर बनता है। और देख लीजिए कितना है यहाँ, आप लोग आए हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जगह कौन सा है, कहाँ का है, ये भी कमेंट कीजिएगा। और आप सबको अभी बैक कैमरा करके भी दिखाते हैं कि यहाँ का जो जंगल है वो कैसा है। हाँ और चलिए जी हम पैदल थोड़ा सा चलते हैं, आप लोग बाइक चलिए, आप लोग देख सकते हैं जो कि ये जो नज़ारा है बहुत ही मतलब कि भयानक है यहाँ पे घूमने के लिए। और आप लोग भी अभी आइए और देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे मस्त नज़ारा। अगर पानी इस पर थोड़ा थोड़ा रहता ना तो और अच्छा भी दिखता है यहाँ पे, लेकिन पानी नहीं है उसकी वजह से आज अच्छा नहीं दिख रहा है। और अभी हम ये
और ये जो नज़ारा है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ी जो है थोड़ी से आप वो पुल तर पुल के ओर से आइएगा जिस तरफ से हम आए हैं, और बाइक हाथते हाथ आइएगा तब ये मिलेगा आप लोग से। बहुत दूर है, इतना नज़दीक भी नहीं है, हम लोग बाइक से थे तभी आ गए हैं, नहीं तो हम पैदल कितने बार आए थे, हम लोग का गाड़ी उधर आ जाता था, लेकिन एक बार भी हम यहाँ नहीं आए थे क्योंकि ये नज़ारा हमको अभी दिखा ही नहीं था, आज दिखा है क्योंकि बहुत ही बहुत बढ़िया है, क्या ही बताएं, देख सकते हैं। हमको लगता है कि अभी तक कोई यूट्यूबर ब्लॉगर यहाँ पे आके नहीं दिखाया होगा जो कि हम दिखा रहे हैं। ये जो पत्थर, इतना पत्थर है सारा यहाँ पे, क्या ही बताएं कि मतलब कि हर रोज़ 10,000 ट्रक निकलेगा ना तब वो नहीं हो रहेगा, इतना पत्थर है यहाँ पे। नेपाल का पत्थर कभी हो रही नहीं करेगा, पत्थर है ना। तोरा बिना दुनिया मोबाइल में वीडियो खींचना मना है, ठीक है, दे रखे आप हमारा खींच रहे हो तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ी पहाड़ और नेपाल घूम लिए, और घूम कर अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और ये जो पीछे दिख रहा है ये सारे जंगल है, मतलब 5-6 किलोमीटर जंगल पार करने के बाद आप लोग पहुंचिएगा थोड़ी पहाड़ के पास। अभी हम लोग 5-6 किलोमीटर गए थे और फिर उधर से वापस आ रहे हैं, और नेपाल में खूब घूमे हैं।